إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأسرفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس تمام تعریفیں کبریائی بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق اور مناسب ہے جس نے اس کائنات کو محض اس کے لیے اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا درود و سلامتی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو ہمارے لیے مکمل طور پر واضح کر دیا اور ہمارے لیے ان ساری باتوں کو بتلا دیے جن کو ایک انسان کے لیے ایک مسلمان کے لیے جاننا ضروری تھا خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا اے ایمان والو تم رکوع کرو سجدہ کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے ساتھ ساتھ وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ عبادت کے ساتھ ساتھ نیکی اور اچھائیاں بھی کرتے رہو تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس انفعهم للناس لوگوں میں سب سے بہترین سب سے افضل انسان وہ انسان ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو
जो इंसान लोगों के लिए ज्यादा नफा बख्श होगा, ऐसा ही इंसान सबसे बेहतरीन सबसे अफजल इंसान होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जैसा कहा कि ये लोगों तुम नेकी के काम करते रहो, भलाई के काम करते रहो, अच्छाई के काम करते रहो, तो ये काम करोगे तो तुम जरूर कामयाब हो जाओगे। तो आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि कामयाबी के लिए, इस दुनिया में कामयाब होने के लिए, सुरखरू होने के लिए, बुलंदी हासिल करने के लिए नेकी के साथ साथ अच्छाई और लोगों के साथ अच्छा मामला करना भी जरूरी है। जब इंसान लोगों के साथ अच्छा मामला करेगा, उसका ताल्लुक लोगों के साथ बेहतर हो, वो लोगों के लिए खैर का चाहने वाला हो, तो ऐसे इंसान को लोग भी पसंद करते हैं, ऐसा इंसान मुआशरे का सबसे अफजल इंसान करार पाता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में उस इंसान को, उस आदमी को सबसे बेहतरीन आदमी करार दिया जो लोगों के साथ अच्छा और भलाई का काम करता है, लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, लोगों के साथ अच्छा सलूक करने के लिए, लोगों के लिए अच्छाई तलाश करने के लिए जो इंसान खैर कोशिश करता है, मेहनत करता है, ऐसा इंसान शरीयत की निगाह में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में और सारे लोगों के सामने ऐसा इंसान सबसे बेहतरीन इंसान करार पाता है। इसीलिए आप देखिए कि अगर कोई इंसान नेकी के मामले में, नेकी के कामों में आगे बढ़ता है तो उसकी मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत लोगों के दिलों में पैदा कर देते हैं। अगर कोई इंसान लोगों को नफा पहुंचाने के लिए, लोगों के साथ अच्छा सलूक करने के लिए ऐसे कामों में आगे बढ़ता है जिसे लोग पसंद करते हैं, तो ऐसे कामों में आगे बढ़ने वाले इंसान को इंसान भी पसंद करते हैं, उसका मकाम भी माशरे में ज्यादा हो जाता है। अगर खानदान में कोई ऐसा फर्द हो जो सबका साथ देने वाला, सबका काम आने वाला हो, सबके साथ अच्छा सलूक करने वाला हो, तो ऐसे इंसान को खानदान के लोग भी पसंद करते हैं। इसी को हम सिला रहमी के नाम से जानते हैं। सिला रहमी किसे कहते हैं कि इंसान रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे, रिश्तेदारों के लिए ऐसे काम करे जो रिश्तेदारों के लिए नफा बख्श हो, और ऐसे इंसान को माशरे के लोग भी पसंद करते हैं। जिस समाज में वो रहता है, जिस मोहल्ले में वो रहता है, जिस इलाके में वो रहता है, अगर वो इंसान उस समाज वालों के लिए, उस इलाके वालों के लिए नफा बख्श हो, उस खानदान वालों के लिए या उस इलाके वालों के लिए अच्छाई तलाश करने वाला हो, अच्छाई का हुक्म देने वाला हो, उन लोगों के लिए अच्छाई के रास्ते आसान करने वाला हो, तो ऐसे इंसान को हर इंसान पसंद करता है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर, हर एक के साथ अच्छा सलूक करने की तालीम दी गई। आप देखिए उस हदीस पर गौर करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुन नास अनफअहुम लिन्नास, लोगों में सबसे बेहतरीन, लोगों में सबसे अफजल मकाम सबसे ज्यादा किसका होगा, उस आदमी का होगा जो आदमी लोगों के लिए नफा बख्श हो। नफा बख्श होने का मतलब क्या है कि लोगों के मामलात में वो हाथ बटाता हो, लोगों को मदद करता हो, लोगों पर कोई मुसीबत आए तो उस मुसीबत को दूर करने के लिए वो कोशिश करता हो, अगर किसी पर कोई तंगी आए, कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, उस परेशानी को दूर करने में वो आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता हो, ऐसा इंसान को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बेहतरीन इंसान करार दिया। जब मामला आम लोगों के साथ हो, चाहे वो मुसलमान हो या गैर, चाहे वो मुसलमान हो या गैर, इस्लामी मजहब का मानने वाला हो या किसी और मजहब को मानने वाला हो, उसके साथ भी अगर कोई इंसान अच्छाई का मामला करता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सबसे बेहतरीन इंसान करार दिया। जब यही मामला एक मुसलमान के साथ हो कि अगर कोई इंसान मुसलमानों की परेशानी को दूर करने के लिए, मुसलमानों की मुसीबतों को दूर करने के लिए, मुसलमानों की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसका मकाम सबसे ज्यादा हो जाएगा। एक आम इंसान के साथ अच्छा सलूक करने से वो माशरे का सबसे बेहतर इंसान बन सकता है। एक आम इंसान की मदद करने से एक इंसान शरीयत की निगाह में सबसे बेहतरीन इंसान बन सकता है। तो वही इंसान
जब एक मुसलमान की परेशानी को दूर करे या मुसलमान की परेशानी में हाथ बटाए या मुसलमान की मदद करे तो ऐसा इंसान का मकाम और मर्तबा और बुलंद हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसका मकाम और बुलंद हो जाता है। इसीलिए हमें ऐसे कामों में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए जिसमें मुसलमानों का फायदा होता हो। अगर किसी मुसलमान को देखें कि वो परेशान है या वो मदद का मोहताज है या वो बीमार है तो हर मामले में उस मुसलमान की मदद के लिए आगे बढ़ना हर इंसान के बेहतर होने की अलामत है। अगर किसी इंसान को देखें कि वो लोगों की मदद करने में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, लोगों की मुसीबतों को दूर करने में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, लोगों की परेशानी को अपनी परेशानी समझता है, तो समझो कि उसके अंदर खैर और भलाई है, समझो कि वो शरीयत की निगाह में सबसे बेहतरीन इंसान है। एक इंसान जो इबादतों में तो आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है लेकिन लोगों के मामलात में, लोगों को मदद करने के मामले में, लोगों की परेशानी को दूर करने के मामले में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेता तो ऐसा इंसान सबसे बेहतर इंसान या शरीयत की निगाह में बेहतर इंसान नहीं हो सकता। उस आयत पर गौर कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि तुम अल्लाह के लिए रुकू करो, सजदा करो, नमाज पढ़ो और इबादत करो और साथ ही लोगों के साथ अच्छा मामला भी करो, तब चलकर तुम कामयाब हो सकते हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को उठाकर देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के मामले में बहुत आगे थे और इतनी इबादत करते कि आपको देखने वाले कहते कि अल्लाह के रसूल आपके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए गए, आपका मकाम सबसे बुलंद है, आपके लिए जन्नत लिख दी गई है और सबसे बेहतरीन और अंबिया इकराम के सरदार आप हैं, आपकी इबादत में इतनी मेहनत की क्या जरूरत है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के मामले में बहुत आगे थे, इतनी इबादतें करते कि आपके पैरों में वर्म आ जाता कि मुसलसल खड़े होने की वजह से आपके पैर सूज जाते, लेकिन इसके बावजूद इबादत में इतने आगे होने के बावजूद, आपका मकाम मर्तबा उस कदर बुलंद होने के बावजूद, आप लोगों को साथ देने के मामले में, लोगों की परेशानी को दूर करने के मामले में, एक दूसरे के साथ देने के मामले में इस कदर आगे थे कि जब पहली मर्तबा वही आई तो उस वक्त आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर गए थे, सहम गए थे। तो उस वक्त अपनी बीवी हजरत खदीजा के पास आकर कहते हैं कि मुझे अपनी जान पर डर लग रहा है, तो उस वक्त हजरत खदीजा कहती हैं कि अल्लाह आपको हरगिज जाया नहीं करेगा। क्यों जाया नहीं करेगा? हजरत खदीजा ने कहा क्योंकि आप लोगों का बोझ उठाते हो, तुम दूसरों की मदद करते हो, तुम जब बोलते हो तो सच्ची बात बोलते हो, जब तुम लोगों के दरमियान फैसला करते हो तो सच्चा और सही फैसला करते हो। ऐसे इंसान को जो इंसान के मुआशरे में सबसे ज्यादा फायदा मंद हो, जो इंसान के लोगों में नफा पहुंचाने के लिए, लोगों के खैर खाही के लिए आगे बढ़ता हो, ऐसे इंसान को अल्लाह कभी जाया नहीं करेगा, कभी बर्बाद नहीं करेगा, कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे हाथ नहीं छोड़ेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां इबादत के मामले में, अल्लाह के हुकूक अदा करने के मामले में बहुत आगे आगे थे, वहीं लोगों के हुकूक अदा करने के मामले में भी, लोगों को साथ देने के मामले में भी, लोगों की परेशानियों को दूर करने के मामले में भी आगे आगे रहा करते थे। एक सच्चा और पक्का मुसलमान और एक आइडियल मुसलमान कब बन सकता है कि एक नमूना जिसे कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे मुसलमान को, जिसे मुसलमान को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाने की कोशिश की, अगर उस मुसलमान को देखना चाहते हैं तो उसकी जिंदगी में दोनों चीजें होनी चाहिए कि वो अल्लाह के हुकूक पे अदा करता हो, नमाज, रोजे, सदका व खैरात और सारी नेकियों में आगे बढ़ने वाला हो, वही चलकर वो हुकूकुल इबाद, बंदों के हुकूक अदा करने के मामले में भी आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाला हो। अगर कोई इंसान अल्लाह के हुकूक तो अदा करे लेकिन लोगों के हुकूक अदा करने में वो कोता हो, पीछे हो, तो ऐसा इंसान पक्का और सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। वहीं चलकर अगर कोई मुसलमान लोगों के हुकूक का अदा करे और अल्लाह के हुकूक में कोताही करे, ऐसा इंसान भी सही और पक्का मुसलमान नहीं हो सकता। और एक सच्चा मुसलमान, शरीयत जिस इंसान को एक मुसलमान की शक्ल में देखना चाहती है, ऐसा इंसान कि वो अल्लाह के मामले में भी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाला हो, लोगों के मामले में भी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाला हो,
एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आकर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, एक औरत है हमारे मुआशरे में, उसकी नमाज, रोजे, सदका और खैरात के चर्चे होते हैं, यानी वो इबादत के मामले में बहुत आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और इतनी इबादत करती है कि लोगों में वो मशहूर है इबादत के मामले में, लेकिन ये गलती ये करती है कि उसकी जबान से उसके पड़ोसी महफूज नहीं है, उसकी जबान से उसके पड़ोसी महफूज नहीं, यानी वो जबान से लोगों को तकलीफ देती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिया फिन्नार, इतनी इबादतें लोगों में मशहूर है इबादतों की वजह से, लेकिन तकलीफ देने की वजह से, लोगों के हुकूक अंजाम ना देने की वजह से, उसके अंजाम के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिया फिन्नार, कल क़यामत के दिन उसका अंजाम जहन्नम में जाना होगा। तो हम इबादत के मामले में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, लेकिन हुकूकुल इबाद के मामले में, लोगों की मदद करने के मामले में, लोगों को खैर ख्वाही चाहने के मामले में अगर हम पीछे रहें तो ऐसा इंसान कामयाब इंसान नहीं हो सकता, ना वो दुनिया में कामयाब हो सकता है, ना ही आखिरत में कामयाब हो सकता है, और ऐसा इंसान वो इंसान नहीं बन सकता जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाना चाहते थे। इसीलिए देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अद्दीन वन नसीहा, दीन नाम है खैरकाही का, दीन नाम है खैरकाही का। खैरकाही किसे कहते हैं? लोगों के लिए भलाई चाहना, लोगों के लिए अच्छाई चाहना, लोगों के लिए अच्छाई का हुक्म देना, लोगों को बुराई से रोकना, लोगों को सब्र की तलकीन करना, हर नेकी का हुक्म देना और हर बुराई से रोकना, यही खैरकाही। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन का खुलासा भी फरमाया कि अद्दीन व नसीहा, दीन नाम है नसीहत का, दीन नाम है खैरकाही का, दीन नाम है एक दूसरे को भलाई चाहने का। और सहाबा इकराम ने पूछा कि भलाई किसके लिए करनी चाहिए अल्लाह के रसूल, कि हम भलाई करें तो किसके साथ भलाई करें? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिल्लाहि वली किताबिही वली रसूलिही वली अइमतिल मुस्लिमीन व आम्मतिहिम। ये खैरकाही अल्लाह के लिए भी, रसूल के लिए भी, उसकी किताब के लिए भी, और मुसलमानों के जो सरदार होते हैं उनके लिए भी, और आम मुसलमानों के लिए भी ये खैरखाही होनी चाहिए। हम अल्लाह के साथ खैरखाही कैसे करेंगे? अल्लाह के साथ खैरखाही का मतलब ये है कि अल्लाह के जो हुकूक हैं उसे अदा करना, अल्लाह के जो हुकूक हम पर आयद होते हैं उसकी इबादत करना, उसके साथ किसी और को शरीक ना करना, और बिदातों से दूर रहना, शिर्क बिदात से दूर रहना, ये अल्लाह के हुकूक और अल्लाह के साथ खैरखाही। रसूल के साथ खैरखाही क्या है? रसूल के साथ खैरखाही ये है कि हम रसूल से मोहब्बत करें, रसूल ने जो बातें बतलाई उन बातों पर अमल करें, रसूल ने जिन बातों से रोका उन बातों से रुक जाए। वमा आताकुम रसूल फखुदू वमा नहाकुम अनहु फंतहू। अल्लाह के रसूल ने जो जिन बातों को तुम्हें करने का हुक्म देते हैं उन बातों को करें, और जिन बातों से रोकते हैं उन बातों से रुकना, ये रसूल के साथ खैरखाही है। और इसी तरह उसकी किताब के साथ, अल्लाह तबारक व तआला की जो किताब है हमारे सामने, जो कुरान मजीद है, उसके साथ खैरखाही क्या है? उसके खैरखाही ये है कि हमारा ईमान उस पर हो, कि हम ये हमारा अकीदा ये हो कि ये किताब अल्लाह तबारक व तआला की किताब है, ये किताब जैसे नाजिल हुई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसे ही आज तक वो बाकी है, और उसकी तिलावत करना, उस पर अमल करना, उसको सुनना और उसकी तालीमात पर खुद अमल करना और दूसरों तक उसकी तालीमात को पहुंचाना, ये कुरान मजीद के साथ खैरखाही है। और मुसलमानों के जो सरदार हैं उनके साथ खैरखाही क्या है? मुसलमानों के सरदार की जो उनके साथ खैरखाही का मामला ये है कि उन्हें अच्छा मशवरा देना, उन्हें अच्छे कामों का मशवरा देना, अगर उसे कोई गलती होती है तो अकेले में उनकी गलतियों को बतलाना, यह मुसलमानों के सरदारों के साथ खैरखाही है। और आम मुसलमानों के साथ खैरखाही क्या है? कि आम मुसलमानों के साथ खैरखाही यह है कि इंसान जो अपने नफ्स के लिए पसंद करता है वही अपने भाई के लिए भी पसंद करे, इंसान अपने लिए भलाई चाहता है तो दूसरे इंसान के लिए भी भलाई चाहे, इंसान अपने लिए जो जो जरूरतें महसूस करता है वही जरूरतें अपने भाई के लिए भी महसूस करें। अगर देखें कि उसका भाई, अपना भाई, मुसलमान भाई मुश्किलों में है, तकलीफ में है, मुसीबतों में है, तो उस मुसीबत को दूर करने के लिए कोशिश करना,
मेहनत करना और उस मुसीबत को दूर करने के जो जो रास्ते हो सकते हैं, जो 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 तरीके हो सकते हैं, उन तरीकों को इस्तेमाल करके उसकी मुसीबत को दूर करना, ये सारी बातें मुसलमान के खैरख्वाही में दाखिल है। जब एक मुसलमान इस्लाम के अंदर दाखिल होता है तो सारे दुनिया में जितने मुसलमान होते हैं वो सारे मुसलमान एक दूसरे के भाई भाई बन जाते हैं। दुनिया के कोने में कोई भी मुसलमान तो दूसरे मुसलमान का भाई है। अल्लाह ने फरमाया इन्नमल मुमिनूना इख्वा, के मुसलमान आपस में भाई भाई होते हैं। जिस तरह खूनी रिश्ते में दो भाई जुड़ जाते हैं, उसी तरह इस्लाम लाने के बाद हर आदमी एक दूसरे एक मुसलमान का भाई करार पाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। भाई होने का मतलब क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला यज़लिमुहु, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है तो मतलब यह है कि उस पर कभी जुल्म नहीं करेगा, वला यख्दुलुहु, और उसे कभी वो रुस्वा नहीं करेगा। रुस्वा कैसे नहीं करेगा? खुद अपने आमाल से भी रुस्वा नहीं करेगा और किसी के सामने उसे रुस्वा होने भी नहीं देगा और उसे कभी हकीर नहीं जानेगा। एक मुसलमान मुसलमान हो जाए, कि एक बंदा मुसलमान हो जाए तो उसकी इज्जत करना, उसके एहतराम करना, उसकी मदद करना, उसके मसाइल को हल करने के लिए कोशिश करना, ये मुसलमान की खैरख्वाही में दाखिल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान, के एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की मिसाल एक इमारत की तरह है। यशुद्दु बअदुहु बअदा, कि एक इमारत जिस तरह ईंटों से मिलकर बनती है उसी तरह मुसलमानों की हालत भी, मुसलमानों का ताल्लुक भी इस तरह है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिलकर उसकी इमारत बनती है और मुसलमान एक दूसरे के साथ मिलकर उसकी मोहब्बत आगे बढ़ती है। अगर कोई मुसलमान इस्लाम की वजह से, ईमान की वजह से अपने दूसरे मुसलमान से मोहब्बत करे तो इस उसके ईमान की दलील है, उसके ईमान की दलील है कि एक बंदा दूसरे मुसलमान से मोहब्बत करे। क्यों? मोहब्बत की एक अहम वजह कि उसके मुमिन होना है, उसका मुसलमान होना है। तो ऐसे इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत कल कयामत के दिन अपने अर्श के साये में, अपने अर्श के साये में उसे जगह अता फरमाएंगे। सबअतुन यदिल्लुहुमुल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल कयामत के दिन लोग अपने बुराइयों की वजह से पसीने में डूबे होंगे। ऐसे मौके पर सात किस्म के आदमियों को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने अर्श के साये में जगा देंगे। उनमें से एक आदमी, एक किस्म के लोग वो भी होंगे जो आपस में मोहब्बत सिर्फ अल्लाह के लिए क्या करते थे, ईमान की वजह से क्या करते थे, कि दो मुसलमान आपस में मोहब्बत करते हैं उसकी वजह सिर्फ मुसलमान होना है, कि वो मेरा मुसलमान भाई है, वो मेरा ईमान ईमानी भाई है, इस वजह से मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। मेरा उससे कोई रिश्तेदारी नहीं, मेरी उससे कोई रिश्तेदारी नहीं, मेरा कोई लेन देन उससे नहीं है, लेकिन मैं उससे दूसरे मुसलमान से मोहब्बत करता हूँ। क्यों मोहब्बत करता हूँ? क्योंकि वो मेरा मुसलमान भाई है, मेरा ईमानी भाई है, इस वजह से मैं मोहब्बत करता हूँ। अगर कोई बंदा इस माने में दूसरे मुसलमान से मोहब्बत करने लगे तो कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे अपने अर्श के साये में जगह अता फरमाएंगे। किस कदर अजीम बदला है, किस कदर अजीम सवाब है अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाते हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में फरमाया कि मुसलमानों के दरमियान जो मोहब्बत होती है, मुसलमानों के दरमियान जो मोहब्बत होती है वो मोहब्बत इस कदर अल्लाह की बड़ी नियामत है कि अल्लाह फरमाते हैं वो अल्लाह बैना कुलूबिहिम, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान के दिलों में मोहब्बत पैदा करते हैं। लो अनफक्त मा फिल अर्ض जमीअन मा अल्लफ्त बैना कुलूबिहिम, ए रसूल अगर तुम जमीन के अंदर जितने खजाने हैं, जितने नियामतें हैं, जितनी चीजें हैं, वो सारी नियमतों को, चीजों को बेच कर भी अगर उस नियमत को, उस मोहब्बत को खरीदना चाहो तो तुम खरीद नहीं सकते। ये ईमानी मोहब्बत इस कदर अजीम मोहब्बत है कि ईमान की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत एक मुसलमान के दिलों में पैदा करते हैं। जब मुसलमान इस्लाम में दाखिल हो जाता है, क्या या कोई बंदा मुसलमान हो जाता है तो उसकी मोहब्बत हर मुसलमान के दिल में होनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान की मोहब्बत दूसरे मुसलमान के दिल में है। उसकी दलील ये है कि अगर दुनिया के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में कोई मुसलमान तकलीफ में हो तो उस तकलीफ को मुसलमान भी महसूस करें। मोहब्बत का तकाजा ये कि अगर कोई मुसलमान कहता है
कि मैं अपने मुसलमान भाई से मोहब्बत करता हूं, मुझे हर मुसलमान से मोहब्बत है, तो उस मोहब्बत की दलील ये है कि अगर कोई मुसलमान, हमारा कोई भाई दुनिया के किसी भी कोने में तकलीफ में हो, तो उसकी तकलीफ हमारे दिलों में महसूस हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मसलुल मुमिनीना फी तवादिहिम व तराहुमिहिम व तआदुफिहिम, के मुसलमानों की आपस में मिसाल मोहब्बत करने में, एक दूसरे पर मेहरबानी करने में, एक दूसरे पर शफकत करने में एक जिस्म के मानिंद है। एक जिस्म के मानिंद है मुसलमानों की मिसाल, कि जिस्म के किसी भी हिस्से में कोई तकलीफ होती है तो उसका असर सारे जिस्म पर होता है। जिस्म के किसी हिस्से में कोई तकलीफ होती है तो उस तकलीफ का असर, उस तकलीफ को सारा जिस्म महसूस करता है, जिसकी वजह से उसे उस तकलीफ की वजह से नींद नहीं आती। तो इसी तरह दुनिया के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई मुसलमान तकलीफ में है तो उसकी तकलीफ हमारे दिलों में महसूस हो। अगर उसकी तकलीफ हमारे दिल में महसूस ना हो तो हमें चाहिए कि अपने ईमान को खंगाल कर देखें, अपने दिल को टटोल कर देखें कि हमारा ईमान है कि नहीं। अगर कोई मुसलमान कहता है कि मैं मुसलमान हूं, मेरे दिल में ईमान है और मैं अपने मुसलमान भाई से मोहब्बत करता हूं, तो इस मोहब्बत की दलील ये है कि मुसलमान अगर तकलीफ में हो तो तकलीफ वो भी महसूस करें। आज ये बात क्यों कहने की जरूरत पड़ती है? आप में से हर कोई जानते हैं कि हमारे मुसलमान भाई फलस्तीन में, गजा में जो तकलीफें उठा रहे हैं कि मुसलमानों के दुश्मन, अल्लाह के दुश्मन हमारे मुसलमान भाइयों पर बहुत सारी जुल्में कर रहे हैं, जुल्म की हद हो गई है। हमारे मुसलमान भाई, मुसलमान बहने, छोटे छोटे बच्चे जुल्म के शिकार हो चुके हैं, उन पर तरह तरह के जुल्म तोड़े जा रहे हैं, ऐसे ऐसे तकलीफें उन्हें दी जा रही हैं कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम यहां होते हुए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने मुसलमान भाई के लिए, कि एक मुसलमान होने के नाते हम दूसरे मुसलमान के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात यह कि उनकी तकलीफ को आप हम अपने दिलों में महसूस करें कि वो मुसलमान मजलूम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमा, कि तुम अपने मुसलमान भाई की मदद करो चाहे वो जालिम हो या मजलूम। सहाबा इकराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, मजलूम हो कि उस पर जुल्म किया जाता जाए, वो कमजोर हो, उस वक्त हम मदद करें तो ये तो बात मालूम होती है, लेकिन वो जालिम हो तो हम कैसे उसकी मदद कर सकते हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर किसी मुसलमान को जुल्म करते हुए देखो तो उसके हाथ को पकड़ लो, उसको जुल्म करने से रोक लो, यही तो मुसलमान भाई की मदद करने की दलील है। अगर मजलूम है तो उस मजलूम की मदद करना माली एतबार से या दुआ के जरिए से या जो कुछ तरीके हमारे पास हो सकते हैं, उन तमाम तरीकों को, रास्ते को इख्तियार करके हम अपने मुसलमान भाइयों पर जुल्म होने से रोक सकते हैं। हम यहां बैठकर, हमारे पास एक ही हथियार है, हमारे पास एक ही हथियार है, वो है दुआ का हथियार। दुआ के जरिए हम अपने मुसलमान भाइयों की मदद कर सकते हैं, दुआ के जरिए हम अपने मुसलमान भाइयों के लिए अल्लाह की मदद ला सकते हैं, दुआ के जरिए हम अल्लाह तबारक व तआला की गैबी मदद ला सकते हैं। दुआ में वो असर है कि अल्लाह तबारक व तआला का अर्श हिल जाता है, कि हम अगर दिल से इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ, दर्द के साथ कि हमारे मुसलमान तकलीफ में है, मेरा मुसलमान भाई तकलीफ में है, मेरी मुसलमान बहन तकलीफ में है, हमारे छोटे छोटे बच्चे तकलीफ में है, इस दर्द के साथ अगर अल्लाह को पुकारेंगे, आप अकेले में तहज्जुद की नमाज में सदका और खैरात करके, नेकी करके आप दुआ कीजिए, अल्लाह की मदद जरूर आएगी। अल्लाह तबारक व तआला हर एक की दुआ सुनने वाला है। जो बंदा जिस कदर अल्लाह को खुशू के साथ, खुजू के साथ और दर्द के साथ पुकारेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी आवाज को जरूर सुनते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बदर की जंग में देखिए कि मुसलमानों के पास तादाद कम, मुसलमानों के पास जंगी असलहे नहीं, जानवर कम, सब हर एतबार से मुसलमान कमजोर थे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग से पहले ऐसी दुआ की कि दिल के साथ, दर्द के साथ गिड़गिड़ाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, इतनी लंबी दुआ की कि अबू बकर सिद्दीक आकर कहने लगे कि अल्लाह के रसूल बस कीजिए, आपकी दुआ अल्लाह जरूर कबूल करेगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गिड़गिड़ाकर दुआ किए थे, जिस खुशू के साथ, जिस दर्द के साथ अल्लाह के पास दुआ किए थे, वो दुआ रंग लाई।
और फौरन फरिश्ते मदद लेकर आते हैं और जंग मुसलमानों के पास कुवत ना होने के बावजूद, अफराद ना होने के बावजूद और मुसलमान रोजे की हालत में होते हैं, ऐसी हालत में जंग जीत जाते हैं। तो ये जंग, ये मदद कब आएगी? जब हम अल्लाह के पास दुआ करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। ए ईमान वालों, तुम अगर अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह भी तुम्हारी मदद करेगा। हम अल्लाह की मदद कैसे कर सकते हैं? अल्लाह की मदद हम कैसे कर सकते हैं? अल्लाह की मदद हम ऐसे कर सकते हैं कि हम अल्लाह की शरीयत पर कायम हो जाए, अल्लाह के बताए हुए तरीके पर हम अमल करने लगेंगे तो गोया कि हम अल्लाह की शरीयत पर अल्लाह को मदद करने वाले हैं। तो ऐसे में अल्लाह तबारक व तआला भी हमारी मदद करेगा। हमारे मजलूम भाई, हमारे कमजोर भाई बहुत सारे शहीद हो चुके हैं, बहुत सारे ऐसे जिनके घर चले गए, जिनके माल और मता सब लुट गए और जिनके घर के सारे लोग शहीद हो गए और अकेले हो गए। ऐसे लोगों के लिए मदद हम दुआ के जरिए कर सकते हैं। यहाँ बैठकर हम उस मुसलमान भाई की मदद कर सकते हैं दुआ के जरिए से। आप भी दुआ कीजिए, आपके घर वालों की भी दुआ करने के लिए कहें और जिस जिसको जानते हैं उनसे कहें कि तुम अल्लाह के पास, अल्लाह के दरबार में हमारे मुसलमान भाई के लिए दुआ करें। नहीं मालूम कि अल्लाह रब्बुल इज्जत किसकी दुआ कबूल कर ले और अल्लाह की मदद किसकी दुआ से आ जाए, नहीं मालूम। इसीलिए आज ये जुमा का दिन, असर के बाद का वक्त कुबूलियत का वक्त है। हम में से हर एक को अपने उन कमजोर मजलूम मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उन भाइयों पर जो जुल्म सितम तोड़े जा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन तमाम को उन सारी जुल्म सितम से अल्लाह रब्बुल इज्जत नजात अता फरमाए। उन पर जो कुछ जुल्म हुए हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका अच्छा बदला अता फरमाए और हमारे फलस्तीन के मुसलमान भाइयों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतरीन से बेहतरीन बदला अता फरमाए। आमीन। वा आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।